अगर आपके पास शाओमी का टीवी है या फिर कोई भी अन्य टीवी है, इस डिवाइस मतलब कि शाओमी टीवी साउंड बार को कनेक्ट करते ही जो साउंड क्वालिटी है उसे आप और भी झकास बना पाएंगे। इसकी कीमत है तकरीबन 7,500 रुपये के आसपास। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस साउंड बार के खास फीचर्स के बारे में बताऊँगा, साथ में साउंड की क्वालिटी के बारे में भी बताऊँगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है शाओमी का टीवी साउंड बार। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन आप इसे इंटरनेशनल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है, काफ़ी बड़ा बॉक्स पैक है और बॉक्स के अंदर आपको ये यूज़र मैनुअल मिलेगा जो चाइनीज़ में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं कि थर्माकोल से बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पीकर को पैक किया हुआ है। और इसे निकालते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अडैप्टर। अब इसका पिन अलग है, मुझे इंडियन अडैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझे ख़रीदना पड़ेगा। और ये जो पिन है इसे आपको साउंड बार के पीछे लगाना है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक SPDIF ऑडियो केबल। अगर आपका टीवी SPDIF सपोर्ट करता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं इस साउंड बार पर। वैसे मी के टीवी में आपको SPDIF सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं आपको कुछ स्क्रूज मिलते हैं ये जो साउंड बार है इसे वॉल माउंट करने के लिए। और जो अंतिम कंटेंट है बॉक्स के अंदर वो है ये साउंड बार। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती हैं। ये है शाओमी का टीवी साउंड बार। अब ये 33 इंचज़ का है, अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट कर सकते हैं टीवी के नीचे या फिर इसे यूं ही टेबल के ऊपर रख सकते हैं। दिखने में साउंड बार काफ़ी आकर्षक है, प्लास्टिक की बॉडी है, बिल्ड और फिनिशिंग एकदम प्रीमियम है। आगे देख सकते हैं इस प्रकार का टेक्सचर दिया हुआ है। जो स्पीकर है वो आगे की तरफ है। यहाँ पर इस स्पीकर में 2 डोम ट्रेबल है, 4 पैसिव रेडिएटर्स हैं और 2 मीडियम बैस 2.5 इंच वूफर है। नीचे रबर पैडिंग दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। अगर आपको इसे टेबल पर रखना है तो ये जो रबर पैडिंग है इसे और भी स्टेबल रखेंगे। और आगे की तरफ तो स्पीकर्स है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक क्लोथ टाइप मटेरियल का उपयोग किया गया है। ऊपर से ये स्पीकर इस प्रकार का दिखता है, कुछ बटन्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि मी का लोगो भी है। और पीछे की तरफ ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रू पॉइंट्स है जिसका उपयोग करके आप ये जो साउंड बार है इसे वॉल माउंट कर पाएंगे। ये देखिए नीचे की तरफ ऑडियो पोर्ट्स है, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं और डीसी इन का भी ऑप्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन भी दिया हुआ है जिससे आप ये जो साउंड बार है इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो बटन्स है ये देखिए, माइनस बटन वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, ये है ब्लूटूथ का बटन, ऑक्स इन का बटन, लाइन इन का बटन, SPDIF का बटन और ऑप्टिकल का बटन। तो आपको जो भी कनेक्टिविटी ऑप्शन चाहिए उसका आप उपयोग कर सकते हैं। प्लस का बटन भी है वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। ये लीजिए, इस साउंड बार को मैंने टीवी के नीचे वॉल माउंट कर दिया है, इस प्रकार से दिखता है। और ये देखिए यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने फिलहाल इस टीवी को SPDIF से कनेक्ट किया हुआ है, जो केबल है उससे कनेक्ट किया हुआ है। और उससे जो ऑप्शन है कनेक्टिविटी ऑप्शन वो मुझे चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जाता हूँ क्योंकि ये जो साउंड बार है इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ है। आप ब्लूटूथ का भी उपयोग कर सकते हैं या तो अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए इस डिवाइस के साथ में, या फिर अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। चलिए मैं कुछ ऑडियो प्ले करता हूँ स्मार्टफोन पर इस साउंड बार के जरिए। तो ब्लूटूथ का उपयोग करके आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को इस डिवाइस मतलब कि साउंड बार के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से SPDIF मोड में चले जाता हूं और अब मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाता हूं जिससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि ये जो साउंड बार है इसकी क्वालिटी कैसी है। मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ टीवी पर और फिलहाल मैं जो साउंड आउटपुट है वो मैं टीवी का जो स्पीकर है उसी का उपयोग करने वाला हूँ, मतलब कि जो साउंड है वो टीवी के स्पीकर से आने वाली है। तो ध्यान से सुनिए। तो जो ऑडियो आपने अब सुना ये टीवी का जो स्पीकर है उससे आया हुआ है। वैसे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन जब मैं टीवी को इस साउंड बार के साथ में कनेक्ट करूंगा तो जो साउंड आउटपुट इस साउंड बार के जरिए आएगी वो सुनते हैं। ध्यान से सुनिए।
My name is Max. My world is fire and blood. तो सैंपल सुनने के बाद आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि ये साउंड बार की क्वालिटी कितनी लाजवाब है। जो टीवी का जो इंटरनल स्पीकर है उससे तो काफ़ी अच्छा है। वैसे आप इस साउंड बार को कोई भी अन्य टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से जो साउंड डिफरेंस है वो सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए। My name is Max. My name is Max. तो इस Xiaomi साउंड बार का उपयोग करके आप अपने टीवी की जो साउंड क्वालिटी है उसे आप और भी झकास बना सकते हैं सिर्फ 7,500 रुपये में। साउंड की जो क्वालिटी है काफ़ी लाजवाब है, क्रिस्टल क्लियर है, लाउड है, बेस काफ़ी ज़बरदस्त है, कॉम्पैक्ट डिवाइस है और आपको एक बढ़िया सा होम थिएटर एक्सपीरियंस मिल जाता है। अभी जो डिवाइस है ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे गियर बेस्ड वेबसाइट से खरीद सकते हैं प्रायोरिटी लाइन शिपिंग के साथ में। प्रायोरिटी लाइन शिपिंग के साथ में आपको पड़ेगा तकरीबन 7,500 रुपये के आसपास। जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है Xiaomi का साउंड बार, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।